हेलो यूट्यूबर्स, आई एम ज्योत्सना फ्रॉम इंग्लिश इंग्लिश। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के साथ आपने इंग्लिश में कैसे बात करनी है। ये मेरा दूसरा वीडियो है किड्स इंग्लिश का। आई होप यू लाइक द वीडियो। नहाने का समय है, इट्स टाइम फॉर अ बाथ। आपने बच्चे को बोलना है अपने आप को तौलिए से साफ कर लो, तो आप बोल सकते हो वाइप योर सेल्फ ट्रॉथ। अपने कपड़े पहन लो, put on your clothes। सोफे पर बैठो, sit on the sofa please। सोफे पर मत लेटो, don't lie on the sofa। सीधे बैठो, sit up straight। बच्चों को ज्यादातर आदत होती है कि अपने पैर सोफा पर बैठे हैं तो मेज पे रख लेते हैं, तो मदर्स बड़ी फेड अप होती है इन चीजों से, तो बोलती है अपने पैर मेज पर मत रखो, don't put your feet on the table। कई बार क्या होता है कि आप बच्चे को लेके कहीं गए और बच्चा कूड़ा इधर उधर फेंक देता है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कूड़ा इधर उधर मत फेंको के लिए डोंट लिटर। कूड़ा कूड़ादान में डालो, थ्रो द वेस्ट इन द गार्बेज बिन। कई बार आपको अपने बच्चे को बताना होता है बाहर जाके कि वहाँ पे कूड़ादान है, तो आप बोल सकते हो देयर इज अ गार्बेज बिन ओवर देयर। कई बार बच्चे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कोयले लग जाते हैं, मे बी वो नाइफ हो सकता है, मे बी वो सीजर्स हो सकती है। मैंने ये सेंटेंस बनाया चाकू से मत खेलो, तो आप बोल सकते हो डोंट प्ले विद द नाइफ। आप इसके अलावा सीजर्स, ब्लेड, जो भी वॉट एवर कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। उसे नीचे रखो, पुट दैट डाउन। कई बार बच्चा क्या करता है आपके बालों को खींचता है, या आप कहते हो बार बार खींचता है, तो आप बोलते हो मेरे बालों को पकड़ो मत, तो आप बोलते हो डोंट ग्रैप माई हेयर। मुझे परेशान मत करो, डोंट इरिटेट मी। कई बार बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है पर वो फिर भी ड्राउजी सा फील करता है, पर फिर भी खेलता रहता है, तो आप पूछते हो क्या तुम्हें नींद आ रही है, आप पूछ सकते हो आर यू स्लीपी। कई बार हम बोलते हैं कि मेरे बच्चे को कि मेरी गोद में बैठना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो वॉन्ट टू सिट ऑन माई लैप। आपने अगर बच्चे को बोलना है कि तुम हमेशा ही टीवी देखते रहते हो, तो आप बोल सकते हो यू आर ऑलवेज वॉचिंग टीवी। आपका बच्चा क्या देख रहा है टीवी पे, अगर आपने ये देखना है आप उसको बोलोगे तुम क्या देख रहे हो, तो आप बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम यू आर वॉचिंग। जब आपने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो, तो मान लीजिए बच्चा ज़्यादातर बच्चे कार्टून ही देखते होते हैं, तो आपने कहना फिर से कार्टून, आप बोल सकते हो कार्टून अगेन। कई बार बच्चे बहुत पास से टीवी देखते हैं, तो हम बोलते हैं तुम टीवी बहुत पास से देख रहे हो, तो आप बोल सकते हो यू आर टू क्लोज टू द टीवी। कई बार हम बच्चे को बोलते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा टीवी देख लिया, तुम्हें इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, तो आप बोलोगे यू शुडंट वॉच सो मच टीवी। बच्चे ने टीवी देखा, टीवी ज़्यादा देख रहा है, और आप बोलते हो कि बस अब ये लास्ट है, या एक ही कार्टून देखोगे, तो आप बोलते हो एक ही कार्टून देखना है केवल, तो आप बोलोगे ओनली वन कार्टून। कई बार क्या होता है कि आप पैदा हो जाते हो, बच्चा टीवी देखता ही रहता है, और आप उसको बोलते हो कि प्रोग्राम खत्म हो गया, तो हम बोलते हैं ठीक है ये खत्म हो चुका है, ओके इट्स ओवर, अब टीवी बंद कर दो, तो आप बोलोगे टर्न ऑफ द टीवी प्लीज। कोई भी चीज़, कई बार हम कहते हैं गेम खेलना चाहते हो टीवी से बचने के लिए, वैसे यहाँ पे मैंने कोई सेंस नहीं बनती, वीडियो गेम ही ले लिया, बट आप कोई भी गेम अगर आप बच्चे को पूछना चाहते हो खेलना चाहते हो, तो आप बोलते हो वीडियो गेम खेलना चाहते हो, वॉन्ट टू प्ले अ वीडियो गेम। कई बार बच्चे ने अपना रूम बहुत मैसी किया होता है, खिलौने ही मान लीजिए इधर उधर बिखराए हैं, और आपने उसको बोला है कि पहले अपने खिलौने उठा कर रखो फिर मैं ये चीज़ दूंगी, तो आप बोल सकते हो पुट अवे योर टॉयज फर्स्ट। अगर आपके बच्चे ने कोई भी काम अच्छा किया है और आपने उसको बोलना है कि बहुत अच्छा बच्चा, या ये हुई ना बात, तो आप बोल सकते हो दैट्स लाइक अ गुड बॉय और दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूले, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।